ओके सो हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में मैं गाइस कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस लिंक को लेकर ना कुछ व्यूअर्स को यार प्रॉब्लम है, मतलब कि जो मैं आपको डिस्कटॉप की जो लिंक देता हूं उसमें से कई भाइयों का मतलब कि जो है गूगल ड्राइव ओपन नहीं होता है। तो गाइस मैं अब आप सभी को क्या करूंगा कि आपको मैं अपने टेलीग्राम एंड गूगल ड्राइव दोनों का लिंक आपको मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग गाइस दोनों में से आपको जहां पे इजी लगे आप वहां जाके इजीली जाके आप डाउनलोड कर लेना स्टॉक को, तो आपको दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड करना, अभी आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लो फिर जाकर डाउनलोड करना। बाकी गाइस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चले गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन गाइस आपको जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को, ठीक है। तो गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस आपको कुछ जो साइज है अपने मॉडल का कुछ इस टाइप साइज रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको डन नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे मॉडल का करना है एक डुप्लीकेट, ठीक है। आपको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर जाके आपको सिंपली कर लेना डुप्लीकेट। देन गाइस उस डुप्लीकेट को आपको लेके जाना है ऐसे गाइस इफेक्ट में, इफेक्ट में ले जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जाना आपको कलर्स में, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट, आपको उसका अमाउंट कर देना 0। फिर उसके बाद आपको ऊपर से कर देना इसको मर्च, मर्च या डन कर देना क्योंकि अभी हम इसमें और कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम इसके यहाँ पर सिंपली डन कर लेते हैं। देन गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है आपको रोटेट, रोटेट करने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस सिंपली इसको नीचे ले जाना है एंड कुछ ऐसे रोटेट करना है पहले, एंड रोटेट करके गाइस आपको कुछ अपने मॉडल के पैरों के नीचे इसको ले जाना है। एंड गाइस आपको जहाँ पे मूव डाउन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली से मूव डाउन कर देना है, एंड गाइस कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसमें मतलब कि आप इसको डायरेक्ट एकदम फ्रंट टू फ्रंट रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लाइक इस तरीके से जैसे गाइस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप इस तरीके से भी रख सकते हो। एंड गाइस ये शेडो बनाने का जो मतलब कि ये वाला जो रूल है गाइस ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिससे ना एक रियलिस्टिक सा लुक आता है और ऐसा लगता है कि यार जो हमारा मॉडल है ना एकदम रियल में वहाँ पे खड़ा है। तो आपको गाइस कुछ स्टेप्स ऐसे रख लेना एंड इसकी ओपेसिटी कर लेना आप सभी को कम, ठीक है। और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है अभी आपको यहाँ पे, अभी यहाँ पे शेडो के लिए बस इतना बहुत है। तो अभी क्या करना है आपको इसकी ओपेसिटी जो यहाँ पे कम कर लेना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, आपको अपने मॉडल का दोबारा से एक डुप्लीकेट करना है, ठीक है। क्योंकि गाइस जिसमें हमें बनाने का जिसमें कुछ हमें मतलब कि अभी रिम लाइट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे हम इसकी डुप्लीकेट करते हैं। एंड उसके बाद गाइस हम इसको सेम वैसे साइज में रखेंगे, एंड गाइस उसको भी हम लेके जाएंगे ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। फिर गाइस यहाँ पे जाएंगे हम ब्लैक एंड व्हाइट में, आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके उसका अमाउंट कर देना 0, एंड उसके बाद कर देना आपको मर्ज, एंड उसके बाद आपको लेना नेगेटिव वाला ऑप्शन, एंड इसके यहाँ पे सिंपली डन कर लेना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना है इरेजर टूल में, आपको उसको करना है इन्वर्ट, एंड ब्रश लेना है, ब्रश का जो साइज आपको अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है, एंड जो ओपेसिटी और जो हार्डनेस है इसको आपको थोड़ा थोड़ा कम कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फोटो को जूम करना है, उसके बाद गाइस साइड में आपको कुछ इस तरीके से आपको व्हाइट पेंट करना है। ये गाइस मैं आप सभी को इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस आपको दिख रहा होगा बैक साइड में जो हमारे वाटर है, एंड वो जो वाटर स्प्लैश हो रहा है वो जो है उसका इफेक्ट दिखाने के लिए गाइस मैंने आपको ये मतलब कि एक रियलिस्टिक सा फील आएगा फोटो में, इसलिए गाइस मैंने रिम लाइट आपको बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो एंड गाइस इसके ऊपर एक मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको डिटेल में समझना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाकर उस वीडियो को वॉच कर लेना, उसमें भी आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो बाकी अब हम इसको फटाफट करते हैं गाइस, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, फिर आपको आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ओके गाइस सो इतना हो जाने के बाद आपको दोबारा जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको ये ब्लैक शीट, आपको गाइस इसको ऐड करने के बाद आपको फुल स्क्रीन करना है, एंड गाइस कुछ इस टाइप से रखना है, इसको कर देना मूव बैक, एंड उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, आपको इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद गाइस आपको साइज थोड़ा सा इसमें इतना रखना है, एंड उसके बाद आपको फोटो को थोड़ा जूम करना है, एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ना, मतलब कि आपको जो आपने वो जो रिम वो जो डुप्लीकेट लगाया था आपने ब्लैक कलर का उसके तरह ही आपको यहाँ पे ये एक शेडो का एक फील देगा, मतलब कि इससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा ना नीचे का साइड तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे आप सिंपली कर देना है डन, ठीक है, आपको चेंजेस नहीं करना है इसमें। अब आपको लगाने कुछ PNGs, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे हम जाएंगे ऐड फोटो में, आपको गाइस यहाँ से ऐड करना है पहले ये वाला PNG, ठीक है, मतलब कि पार्टिकल का। आपको गाइस इसका जो है ब्लेंडिंग मोड करना चेंज, एंड इसको करना स्क्रीन, एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है एंड कुछ इस टाइप से, एंड जाना है इरेजर टूल में, आपको गाइस कुछ इस तरीके से फेस के ऊपर से इरेज करना है, एंड उसके बाद आपको कर देना है इसको सिंपली डन, ठीक है। थोड़ा सा ओपेसिटी चाहो तो कम कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, देन आपको कर देना है डन। अब गाइस आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है एक और PNG विग्नेट का। आपको गाइस सिंपली क्या करना है, आपको उसका फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, एंड ये इजीली आपके पूरे पिक्चर में ये ऐड हो जाएगा। फिर आपको कर देना है इसको डन।
अब गाइस यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना, आपको करने कलर करेक्शन गाइस, वो वाला पार्ट आपको बहुत जरूरी देखना। तो अभी हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना पहले इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको इसको यहाँ पे थोड़ा मिलेगा कॉन्ट्रास्ट, तो आपको उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है अराउंड 4 तक। एंड उसके बाद गाइस आपको मिलेगा हाई लाइट, आपको उसको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पे शेडो मिलेगा गाइस, आप इसको चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, अदरवाइज आपको अगर डार्क चाहिए तो आप इसे कम कर सकते हो। देन गाइस आपको इसका व्हाइट कम करना है एंड ब्लैक को भी थोड़ा कम कर देना ताकि जो ड्रेस वगैरह है वो डार्क हो जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना आपको कलर्स में, आपको यहाँ पे गाइस इसकी वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड गाइस इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर है जो उसको कम कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है गाइस यहाँ से कलर मिक्स में, आपको गाइस यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है, जो ल्यूमिनस है हल्का सा बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप सभी को जाना गाइस यहाँ से डार्क ब्लू में, आपको उसका थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस करना है एंड अगर आपको ब्लू कलर चाहिए हो तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं ह्यू में जाके। देन गाइस आपको डन कर देना है एंड उसके बाद आपको जाना है नीचे वाले टूल में, आपको गाइस यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में विग्नेट डाल देना अपने फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि यार कम विग्नेट और ज़्यादा विग्नेट में फर्क होता है ना, तो अपने अकॉर्डिंग डालना। देन गाइस आपको ग्रेन अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देना एंड जाना नीचे वाले टूल में, फिर आपको गाइस यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है एंड गाइस इसमें डालना थोड़ा सा नोड रिडक्शन, नीचे मिलेगा आपको एक लास्ट ऑप्शन एक कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है, हमने सारे पीएनजीज वगैरह रिटच वगैरह सब कुछ कर लिया है। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।